हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिवाइस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में कितने तरह के डिवाइस होते हैं और किन किन डिवाइस का क्या क्या काम होता है। तो मेनली कंप्यूटर में तीन टाइप्स के डिवाइस होते हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है स्टोरेज डिवाइस और तीसरा होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आज हम बेसिक कवर करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। यहाँ पे दिया है इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस होता क्या है? द इनपुट डिवाइस आर दोज डिवाइस फ्रॉम विच वी कैन इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन टू द कंप्यूटर। मतलब इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, यानी डाटा और निर्देश को कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम मेन कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। ये आपके कुछ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस हैं। में हम पढ़ेंगे स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसमें डाटा का इमेज फाइल कंप्यूटर में इनपुट होता है। कोई भी डेटा को स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दिया है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का यूज़ माउस के स्थान पर किया जाता है। इसमें ये एक तरह का यहाँ पे बॉल लगा रहता है जिसको रोटेट करने पे क्या होता है, माउस का जो पॉइंटर होता है वो आपका मूव होता है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर। ये कहाँ पर यूज़ होता है, मीन्स किस चीज़ को रीड करने के लिए यूज़ होता है? बैंक के चेक के डाटा में एक मैग्नेटिक यानी चुंबकीय तत्व लगा रहता है। ये बैंक के डाटा को रीड करने में हेल्प करता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा बैंक के डाटा को रीड किया जाता है। ये आपका है टच पैड। टच पैड आपके माउस में, यहाँ पे माउस के स्थान पर यूज़ होता है लैपटॉप में। इसको आपको यहाँ पे टच करने पे आपके माउस का पॉइंटर स्क्रॉल होता है। ये टच पैनल, ये आपका टच करने पे ये आपका पैनल जो है वो आपका मूव करता है। जॉयस्टिक, इसका यूज़ किया जाता है गेम खेलने के लिए, गेम की प्रमोटिंग के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ये है आपका बार कोड रीडर। किसी भी जैसे आपको किसी भी कंपनी का ब्रांड, प्रोडक्ट नंबर का प्रोडक्ट का आपका सीरियल नंबर, बैच नंबर, पिन नंबर, सारी चीज़ों को रीड करना है तो इसके लिए BCR यानी बार कोड रीडर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आता है OCR। OCR मीन्स होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। हाथ से लिखे गए डाटा को ये रीड करने के लिए यूज़ होता है। कीबोर्ड और माउस को हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। इसके अलावा कौन कौन से इनपुट डिवाइस आते हैं? आता है आपका, एक होता है OMR। OMR मीन्स होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे हम कोई एग्जामिनेशन जब देने जाते हैं एंट्रेंस का, तो उसमें आपका सिंबल इस तरह से आपका गोला गोला भरा जाता है। मीन्स OMR क्या करता है, किसी स्पेशल डाटा को रीड करने के लिए, स्पेशल सिंबल के डाटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है। जो आपकी इसकी कॉपी होती है उसको OMRC बोलते हैं, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर कॉपी, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका माइक। माइक भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आता है आपका ग्राफिक टेबल। ग्राफिक टेबल पुलिस डिपार्टमेंट में मैप यानी नक्शा का अध्ययन करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आता है आपका जो लाइट पेन होता है, वो भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। तो मेन कौन कौन से इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR जो चेक का डाटा रीड करने के लिए, टच पैड जो आपका माउस में लगा रहता है, टच पैनल, जॉयस्टिक जो आपका गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, बार कोड रीडर या आपका पिन नंबर, बैच नंबर वगैरह रीड करने के लिए यूज़ होता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हाथ से लिखे गए डाटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है। ये लगभग 2000 कैरेक्टर पर सेकंड से ज़्यादा रीड कर सकता है डाटा को। इसके अलावा यहाँ पे OMR जो आपकी कुछ स्पेशल सिंबल को रीड करने के लिए यूज़ होता है, माइक, लाइट पेन। तो ये आपके मेन इनपुट डिवाइस हैं। यहाँ पे आपका आता है माउस और कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। यहाँ पे आता है आपका कीबोर्ड।
तो कीबोर्ड जो है वो आपका CUI मोड पर वर्क करता है। CUI मींस होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर की जगह पे सी में आपको कभी कभी कमांड भी दिखता है कि आप कमांड दोगे तभी डाटा इनपुट होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका इनपुट डिवाइस है। इसमें बहुत सारे कीज लगे रहते हैं इसलिए इसको कीबोर्ड बोला जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी कीज लगे होते हैं। पहला यहाँ पे की दिया है न्यूमेरिक कीपैड। यहाँ पे आपका न्यूमेरिक की दिया है, इसको नंबरिकल की भी बोलते हैं और न्यूमेरिक की भी बोलते हैं। यहाँ देखिए ये है नेविगेशंस की। नेविगेशंस की में आपका अप डाउन लेफ्ट राइट ये एरो की रहता है। इसके अलावा यहाँ पे है प्रिंट स्क्रीन जो स्क्रीनशॉट के लिए, स्क्रॉल लॉक ये आपका स्क्रॉल लॉक के लिए, ये पेज ब्रेक के लिए। इसके अलावा यहाँ पे दिया है इंसर्ट, होम, पेज अप। यहाँ पे डिलीट की दिया हुआ है, ये एंड की, और ये आपका पेज डाउन दिया है। तो ओवरऑल इन सारे कीज को मिला के नेविगेशन की बोलते हैं। ये आपके F1 से F12 तक जो की होते हैं इस कीज को हम बोलते हैं फंक्शन की। ये आपका दिया हुआ है नंबरिकल की मीन्स नंबर कीज। लेकिन यहाँ से यदि हम नंबर को और अल्फ़ाबेट को यहाँ से अगर हम यहाँ से लेते हैं ये ओवरऑल यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, तो इसमें क्या है कि इसमें आपका नंबर भी आ जा रहा है और प्लस आपका अल्फ़ाबेट भी आ जा रहा है। तो इसको इस कीज़ को बोलेंगे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की। आपके न्यूमेरिक भी हो जा रहे हैं और यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी हो जा रहे हैं इसलिए इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है जैसे शिफ्ट है, यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे अल्ट है, और यहाँ पे भी रिपीट करके दिया है, यहाँ अल्ट है, फिर यहाँ कंट्रोल है, फिर यहाँ शिफ्ट है। तो इन सारे कीज़ को बोला जाता है स्पेशल की। क्या बोलते हैं? स्पेशल की। अल्ट आपके दो दो बार दिए रहते हैं, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, जिसको बोला जाता है आपका स्पेशल की। तो एक बार रिपीट करेंगे, ये है आपका न्यूमेरिक की, ये है आपका नेविगेशन की, ये है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक की, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, यहाँ अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, विंडोज़, ये सारे ही आते हैं आपके स्पेशल की के अंडर में। इसके अलावा यहाँ पे F1 से F12 तक जो दिए रखे हैं ये आपके आते हैं फंक्शन की। और देखते हैं कौन कौन से कीज बचे हैं। यहाँ पे आपके कैप दिया हुआ है SESC, ये आपका बैक करने के लिए, पीछे जाने के लिए। इस बटन को बोला जाता है टिल्ड बटन। ये आपका है टैब बटन जो आपको इंडेन को आपका फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए यूज़ होता है। ये है कैप लॉक। कैप लॉक जब ऑन रहेगा तो आपके जो वर्ड है यानी जो अल्फ़ाबेट है ये आपका कैपिटल में लिखा जाता है। और यहाँ पे ये मैंने बता दिया, ये है आपका विंडोज़, इसको बोला जाता है, ये विंडो का बटन है। तो ये आपका पूरा कीज़ हो गया। ये है आपका स्पेस की मीन्स स्पेस करने के लिए, बैक स्पेस के लिए ये कीज़ दिए गए हैं। इसके अलावा इस कीज़ इस कीबोर्ड में तीन इंडिकेटर्स लाइट भी लगे रहते हैं। वो तीन इंडिकेटर्स लाइट किसके लिए होते हैं? पहला इंडिकेटर्स लाइट होता है आपका कैप लॉक के लिए, दूसरा होता है आपका स्क्रॉल लॉक के लिए, और तीसरा होता है आपका नंबर लॉक के लिए। तो कितने आपके इंडिकेटर्स लाइट होते हैं? तीन, कैप लॉक, स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक। स्टार्टिंग में कीबोर्ड में कुछ आपके 83 से 84 कीज आते थे, लेकिन अब आपके नॉर्मल कीबोर्ड इस टाइम नॉर्मल कीबोर्ड में लगभग 102 से 103 आपके कीबोर्ड आपके कीज आते हैं, और मल्टीमीडिया में इससे भी ज़्यादा कीज अब आने लगे हैं। कीबोर्ड भी बहुत टाइप्स के, पहले आपके वायर वाले आते थे मीन्स USB पोर्ट वाले, अब आपके वायरलेस भी आ चुके हैं। तो कीबोर्ड भी बहुत टाइप्स के होते हैं। एक रोल वाला आ गया है, रोल करके आप कहीं भी ट्रैवल पे ले जा सकते हो। तो टाइम टाइम पे आपके जो कीबोर्ड्स का जो फंक्शन है और जो क्वालिटी है वो आपका चेंज होता रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे माउस के बारे में। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो आपका वर्क करता है GUI मोड पर। GUI मीन्स ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया है, मिस डी एंगलबर्ट ने किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगलबर्ट।
थोड़ा स्लो है यहाँ पे माउस। चलिए यहाँ पे माउस में आपके तीन आपके कीज लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट क्लिक है, ये आपका राइट क्लिक है, और यहाँ पे है आपका एक स्क्रॉल व्हील। इसमें आपको जब स्क्रॉल कीजिएगा तो पेज आपका ऊपर नीचे होगा। तो माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंगलबर्ट ने किया लगभग 1977 में। तो टाइम टाइम पे आपके माउस भी चेंज होते रहे हैं। उसमें आपके मैकेनिकल माउस आ जाते हैं, बस माउस, सीरियल माउस। अभी हम नॉर्मली जो है वो आपका ऑप्टिकल माउस यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल माउस में भी बहुत तरीके माउस आते हैं आपके, जैसे आपके हो गए PH2 टाइप के माउस, एक हो गया आपका वायरलेस। वायरलेस माउस आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस टाइम, है ना। इसके बाद आपका हो गया USB माउस। तो टाइम टाइम पे आपके ये माउस भी आपके चेंज होते रहे हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा इनपुट डिवाइस के बारे में? इसमें हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम किसी डेटा को और इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश को इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में। बहुत सारे टाइप्स के इनपुट डिवाइस होते हैं। स्कैनर जिससे स्कैन किया जाता है डेटा को, ट्रैक बॉल आपके माउस के स्थान पे यूज़ होता है, MICR बैंक के चेक का डाटा रीड करने के लिए यूज़ होता है, आपके टच पैड आते हैं जो आपके लैपटॉप पे माउस का पॉइंटर मूव कराने के लिए माउस के स्थान पे यूज़ किया जाता है, टच पैनल जॉयस्टिक जो आपका गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, BCR आपका बार कोड रीडर किसी का आपको प्रोडक्ट नंबर, सीरियल नंबर, बैच नंबर वगैरह रीड करना है इसके लिए यूज़ होता है, OCR आपका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो आपका हाथ से लिखे गए डाटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे OMR है, OMRC यानी स्पेशल सिंबल आपके या फिर कॉपी में दिए गए स्पेशल सिंबल को रीड करने के लिए यूज़ होता है। माइक आपको सब पता ही है साउंड को इनपुट करने के लिए। और आता है आपका लाइट पेन आपका क्या यूज़ होता है, जिससे आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फिगर ड्रॉ कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड और माउस के बारे में फटाफट। कीबोर्ड जो आपका CUI यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पे वर्क करता है। इसमें बहुत सारे के कीज होते हैं, आपके न्यूमेरिक की या आपके नंबर वाले होते हैं, ये आपका नेविगेशन की है, ये आपका F1 से F12 आपके फंक्शन की आ जाते हैं। यहाँ पे आपका न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट मिला के हो जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ये आपके कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट ये सारे हैं जो वो है आपका स्पेशल कीज। ये आपके टैब बटन जो आपका इंडेंट को मूव करने के लिए होता है, कैप लॉक इसको जब ऑन रखेगा तो जो वर्ड है यहाँ पे लिखा जाएगा अल्फ़ाबेट वो आपका कैपिटल होता है। स्कैप ये आपका पीछे करने के लिए यूज़ होता है, और इस बटन को बोलते हैं टिल्ड बटन। इसके अलावा तीन हमारे इंडिकेटर स्लाइड लगे रहते हैं इसमें, कैप लॉक के और स्क्रॉल लॉक के एंड नंबर लॉक के। पहले के आपके कीज़ में आपके 83 से 84 कीज़ आते थे, अब नॉर्मल कीबोर्ड में 102 से 103 आते हैं। मल्टीमीडिया में इससे ज़्यादा कीज़ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। माउस का जो आविष्कार है वो डगलस एंगलबर्ट ने किया। ये GUI मोड पे वर्क करता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पे। इसमें आपके तीन स्पेशल आपके एक तरह से बोल सकते हैं बटन होते हैं। ये होता है आपका लेफ्ट क्लिक के लिए, ये होता है आपका राइट क्लिक के लिए, और ये होता है आपका स्क्रॉल यानी आप पेज को बहुत ही तेज़ी से अप डाउन कर सकते हो। ये आपके बॉडी कहलाती है। पहले टाइम में भी बहुत तरह तरह के आपके माउस आते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग ये आपके माउस चेंज होते गए हैं। इसमें यूज़ होने वाले मैकेनिकल माउस है, बस माउस है, सीरियल माउस है। ऑप्टिकल माउस हम लोग इस टाइम यूज़ करें जिसमें आपका आता है PH2 माउस, और इसके अलावा आता है आपका वायरलेस माउस, इसके बाद आता है आपका USB माउस। तो आज हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस के बारे में। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।